गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल पैंथर 11। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीए बास्केटबॉल के रिगार्डिंग बात करेंगे। आज जो मॉर्निंग का फर्स्ट मैच खेला जाएगा इंडियाना पेसर्स वर्सेस आपको लॉस एंजलस लैकर्स के साथ ये मैच होगा। मॉर्निंग का 5:30 AM में ये मैच लाइव होगा। गाइस इस वीडियो में हम एसएल और जेएल के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं दोनों टीम की जो आज के मैच की स्टार्टिंग 5 प्लेयर्स रहने वाली है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो आपको लैकर्स की तरफ से आज के मैच में स्टार्ट करने आएंगे यहाँ पे रहने वाले पॉइंट गार्ड सेक्शन से आपको डी एस कॉर्टर स्टार्ट करेंगे। शूटिंग गार्ड से गाइज यहाँ पे पी ब्रेवली स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। स्मॉल फॉर्ड से गाइज यहाँ पे टी ब्राउन रहेंगे और पावर फॉर्ड से लेब्रॉन जेम्स स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। सेंटर से गाइज यहाँ पे ए डी वाइस आज के मैच में स्टार्ट करेंगे। और गाइज आउट प्लेयर्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ए रिप्स आउट नजर आने वाले और गाइज यहाँ पे 4 प्लेयर्स जो जी टी डी है जैसे एस पी पेन ये जी टी डी रहने वाले आज के मैच में। और शूटिंग गार्ड से गाइज यहाँ पे रहने वाले हैं पी ब्रेवली ये जी टी डी रहने वाले। ए डी वाइस आज के मैच में जी टी डी है और लेब्रॉन जोस भी आज के मैच में जी टी डी रहने वाले हैं यहाँ पे लैकर्स की तरफ से। इंडियाना पेसर की तरफ से गाइज बात करते हैं आज के मैच की जो स्टार्टिंग 5 प्लेयर्स रहने वाले यहाँ पे पॉइंट गार्ड सेक्शन साहब टी हैलीबर्टन स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। जी टी डी है बट मोस्टली चांसेस प्ले करेंगे। और शूटिंग गार्ड से गाइज यहाँ पे क्रिस डुराटे रहेंगे जो स्टार्ट करते हुए जाएंगे। और स्मॉल फॉर्ड से गाइज यहाँ पे बॉडी हिल्ड रहने वाले, पावर फॉर्ड से एरोन नेम स्मिथ रहने वाले और सेंटर से गाइज यहाँ पे एम टर्नर रहने वाले जो आज के मैच के स्टार्टर हैं। और जी टी डी 2 प्लेयर्स यहाँ पे हैं डी थाइस है और गाइज यहाँ पे हैलीबर्टन जो आपके आज के मैच में जी टी डी रहने वाले हैं। अब गाइज बात करते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। बट गाइज वीडियोज में आगे बढ़ने से पहले फाइनल एसएल टीम के लिए गाइज आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया था गाइज ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आने वाली है फाइनल एसएल टीम या मैच से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएंगे। बिल्कुल फ्री टीम होती है। ये लिंक आपको गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या कमेंट सेक्शन में पिन किया मिलेगा जहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। हमारी टीम से बिल्कुल फ्री टीम होती है या आप टेलीग्राम चैनल पे जाते हो तो सर्च कर लेना @11ABC और गाइस ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे। इसलिए मिस मत कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और प्ले कर लीजिएगा गाइस। हमारी टीम से बिल्कुल फ्री टीम होती है। अब गाइस बात कर लेते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको इंडियाना पेसर की तरफ से लास्ट मैच यहाँ पे हार के आ रही है और इनके तरफ से जो परफॉर्म करने आते बी हेल्ड जिन्होंने 34 मिनट्स प्ले किया था 3.41 4 असिस्ट 1 इनके स्टील थे। नेम स्मिथ की बात करें लास्ट मैच स्टार्ट के थे स्मॉल फॉर्वर्ड से प्ले करते हुए नजर आए थे 32 मिनट्स प्ले किए थे 16.51 1 इनके स्टील थे। और एम टर्नर जो आपको सेंटर से प्ले करते 27 मिनट्स प्ले करते हुए नजर आए थे 15.41 1 इनके असिस्ट थे 1 इनके ब्लॉक थे। सी डुराटे जो स्टार्ट किए थे 26 मिनट प्ले करते हुए नजर आए थे 9.31 2 असिस्ट 2 इनके ब्लॉक थे, अच्छे खासे परफॉर्म किए। टीम मैकनॉल जो आपको पॉइंट गार्ड सेक्शन से प्ले करते हुए नजर आ रहे थे 23 मिनट्स प्ले किए थे, ये डिफेंसिंग वन से प्ले कर रहे थे 3 इनके रिबाउंड थे और 7 इनके असिस्ट थे। बेंच से प्ले करने थे गाइज यहाँ पे मैरिथन जिन्होंने 31 मिनट्स प्ले किया था 27.8 रिबाउंड 3 असिस्ट 1 इनके स्टील थे, काफ़ी अटैकिंग प्ले किए 3.8 इनके ज़्यादा कनेक्ट भी हो रहे थे, काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी है अपने टीम में गाइज इनको ट्राई करके जा सकते हो। नेम स्मिथ की बात करते हैं बेंच से प्ले किए 28 मिनट प्ले करते हुए नजर आए थे 12.3 रिबाउंड 3 इनके असिस्ट से। और गाइज यहाँ पे आई जैक्सन की बात करें 21 मिनट्स प्ले किए 13.41 1 असिस्ट और 3 इनके ब्लॉक थे। गाइज यहाँ पे ओब्रिस्ट भी प्ले किए 18 मिनट इनको चांस मिला था 5.41 1 इनके स्टील थे। सेकेंड टीम की गाइज हम बात करते हैं लैकर्स की तरफ से लास्ट मैच वैसे ये विन करके आ रही है और इनकी तरफ से जो स्टार्ट करने आए थे लेब्रॉन जेम्स जिन्होंने 43 मिनट्स प्ले किया था 28 पॉइंटर कनेक्ट हुए थे 10 रिबाउंड इन्होंने रिसीव किया था 11 इनके असिस्ट थे 1 इनके स्टील थे। आर हचिमोरा की बात करें 40 मिनट्स प्ले करके आ रहे 19.91 1 इनके ब्लॉक थे। गाइज ए डिवाइस की बात करें ए डिवाइस भी लास्ट मैच प्ले किए थे 37 मिनट्स प्ले करते हुए नजर आए थे 27.9 रिबाउंड थे 1 असिस्ट 1 इनके गाइज यहाँ पे स्टील थे। गाइज टी ब्राउन की बात करते 34 मिनट्स प्ले करके आए थे और गाइज इन्होंने 19.5 रिबाउंड और 3 इनके स्टील थे। और गाइज डी एस क्वार्टर की बात करते 32 मिनट्स प्ले करके आ रहे 12.1 इनके रिबाउंड थे 6 असिस्ट थे। और गाइज यहाँ पे बेंच से प्ले करने आया था इस वेस्ट ब्रुक जिन्होंने 36 मिनट प्ले किया था 17.6 रिबाउंड 8 असिस्ट और 3 इनके स्टील थे। टी ब्राइंट की बात करें 16 मिनट प्ले किए थे 9 पॉइंट कनेक्ट होता 1 इनके रिबाउंड थे गाइज। और एल वॉलकर की बात करें 13 मिनट्स प्ले करके आ रहे 2.1 इनके रिबाउंड थे। और एम क्रिस्टी की बात करें 13 मिनट्स प्ले किए थे 6 पॉइंट और 2 इनके रिबाउंड थे। अब गाइज बात करते हैं आज के मैच में जिस प्लेयर्स को एसएल और जेल्स में पिक करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। फर्स्टली बात करते हैं गाइज यहाँ पे
पॉइंट गार्ड सेक्शन से यहाँ पर वेस्ट ब्रुक जो आपको बेंच से प्ले करेंगे, ठीक ठाक परफॉर्म करते अपने टीम में गाइस, इनको ट्राई करके जा सकते हो, जो आपको अच्छे खासा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। एन एम स्मिथ रहने वाले जो आपको ये भी बेंच से प्ले करेंगे, अच्छे खासे अटैकिंग प्ले करते हैं गाइज, अपनी टीम में ट्राई कर लेना, जो आपको ठीक ठाक परफॉर्म भी करेंगे और गाइज ये आपको 10 से 15 पॉइंट ईजिली दे सकते हैं। डी एस कॉटर रहने वाले जो स्टार्ट करेंगे 8.5 क्रेडिट में अवेलेबल है, बेस्ट ऑप्शन रहने वाले, अपनी टीम में ट्राई कर लेना। टीम मैकनॉल रहने वाले ये भी गाइज आपको बेंच से प्ले करेंगे, अटैकिंग प्ले करते सभी मैच में इनका एवरेजिंग ठीक ठाक रहता है, कहीं से अपनी टीम में ट्राई करके जा सकते हो। शूटिंग गार्ड से कहीं बात करते हैं यहाँ पे बी हिल्ड का, तो बी हिल्ड भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं क्योंकि आपको ये 20 से 25 पॉइंट दे सकते हो, अपनी टीम में ट्राई करके जा सकते हो। यहाँ पे बी रिचर्ड रहने वाले जिनको अपनी टीम में ट्राई कर लेना, 11 पॉइंट में क्रेडिट में अवेलेबल है, जो अपने टीम में ट्राई करके जा सकते हो। एरिप्स आउट नजर आएंगे आज के मैच में, अपने टीम से ड्रॉप कर देना। पी ब्रेवली आज के मैच में स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। एम क्रिस्टी जीटीडी रहने वाले हैं और कई हम बात कर लेते हैं एज वॉटफोर्ड से, तो यहाँ पे देख सकते हो टी हली बटन आज के मैच में जीटीडी है, गेम टाइम डिसीजन है, मोस्टली चांसेस है कई, अगर ये प्ले करेंगे तो आपको अपडेट कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वैसे अगर प्ले करते हुए नजर आएंगे तो येलो वॉकर जो आपको बेंच से प्ले करेंगे। नेम स्मिथ लास्ट मैच स्टार्ट किए थे, ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं, 8.5 क्रेडिट में अवेलेबल है, क्रेडिट मैनेज के लिए आप ट्राई कर सकते हो। टी ब्राउन आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पे स्वीडर आउट रहेंगे, ड्रॉप करके चलना। पॉफर से गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पे लेब्रोन जेम्स जो स्टार्ट करेंगे, ये आपको अटैकिंग प्ले करते हैं एज ए कैप्टनसी, ट्राई कर लेना। टी ब्रांड स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। आर हचिमोरा ये भी आपको ठीक ठाक परफॉर्म करेंगे, लास्ट मैच स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे आए थे और आज के मैच में वैसे ये बेंच से प्ले करेंगे। और गाइज यहाँ पे ओबरिस्ट भी रहने वाले जो आपको बेन से ठीक ठाक परफॉर्म करेंगे, 6 क्रेडिट में अवेलेबल है, अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एसएल प्लस जील के लिए। और सेंटर से गाइज यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एंथोनी डिवाइस, यहाँ पे लास्ट में जो ऐसे प्ले किए थे आज के मैच में गाइज, अगर अवेलेबल रहते हैं, अगर प्ले करते हैं तो मैं अपडेट कर दूंगा, इनको अपने टीम में ट्राई कर सकते हो अगर प्ले करते हैं तो। और एम टर्नर रहने वाले जो गाइज आज के मैच में स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, और जेम स्मिथ की बात करते हैं आपको बेन से प्ले करेंगे, गार्डविल आपको बेन से प्ले करेंगे, बस लास्ट मैच ये प्ले नहीं किए थे, डी जॉन्स को भी चांस नहीं मिला था। अब गाइज बात करते हैं यहाँ पे सेट टीम प्रीव्यू की, जो आज के मैच में हमारी रहने वाली है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। बट गाइज उससे पहले आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आने वाली फाइनल एसएल टीम या मैच से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में पिन किया मिलेगा, जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो, या आप टेलीग्राम चैनल में जाते हो विजिट करते हो तो सर्च कर लेना @11abc और गाइस ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे। और गाइस आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। गाइज यहाँ पे सभी बास्केटबॉल की आपको वीडियोस मिल जाएगी और सभी की टीम गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री टीम होती है, लिंक आपको मैंने दे दिया है कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो हमारी टीम से, बिल्कुल फ्री टीम होती है। अब गाइज यहाँ पे सेट टीम की हम बात कर लेते हैं, तो सेट टीम में गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो प्लेयर्स को लिया हुआ है पॉइंट गार्ड सेक्शन से, यहाँ पे रसल वेस्टब्रुक को लिया हुआ है, टीम में मैकनॉल को मैंने टीम में ट्राई किया हुआ है, एन एम स्मिथ रहने वाले हमारी टीम में जो आपको पॉइंट गार्ड सेक्शन से बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, बी रिचर्डसन को मैंने शूटिंग गार्ड से अपनी टीम में ट्राई किया हुआ है, एल वार्डकर रहने वाले और कई जहाँ पे पावर फॉरवर्ड से बात करते हैं, लेब्रोन जोन्स को एज ए एसपी ट्राई किया हुआ है, टी ब्रांट हमारी टीम में रहने वाले, एम टर्नर एज ए पीपी ट्राई कर लेना अपनी टीम में। कई ये हमारी वैसे सेट टीम है, आप सेट करके रखना क्योंकि फाइनल टीम आएगी कई हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में, जहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो और अपना लॉस रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए मिस मत कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप योर सपोर्ट विद पैंथर 11।